किसी ने सवाल पूछा था इंस्टाग्राम पे कि मैम मैं आपकी फ़ैन हूँ, आप भी सिंगल हो तो मैं भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत सारी फ्रेंड्स लोग हैं जो बोलते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, तो मैम मैं तो 22 साल की हूँ तो अभी शादी करनी चाहिए मुझे? ये सवाल था किसी का। ओके, पहला ना अपनी आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोलो और चारों तरफ नजर घुमा के देखो। सड़क पे जो कॉमन मैन चलता है ना, जिसको तुमने कॉमन मैन का टैग दिया हुआ है, शादी के बाद वही जिंदगी तुम्हारी होने वाली है। 7 फेरे, मेटर्निटी वार्ड, दूध की बोतलें, 500 रुपए के लिए खिच 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 करना, घर पे बैठे रहना, दूसरों को देख के घर को फर्नीचर से भर देना, कर्जा ले कर करके घर खरीदना, यही जिंदगी रह जाएगी। आजकल लड़कियां कितनी आगे जा रही है, कितना कितने अच्छे अच्छे काम कर रही है। अभी तो कोई उम्र ही नहीं है तुम्हारी, पहली बात तो 22 साल की उम्र में कौन, तो वो पहले पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले का समय भी बहुत अलग था, है ना? मैंने कुछ कुछ औरतों को मैंने देखा है कि वो बोलती है कि कब से इसको छोड़ के चली गई होती पति को, लेकिन जो 2 बच्चे हैं उनके लिए रह रही हूँ। कुछ औरतें तो बोलती है कि कब से आग लगा दी होती मैंने इस पति को, लेकिन 2 पैदा करके जो रखे हैं उनके लिए रुकना पड़ रहा है। तो रह दे के यही बाकी रह गया है क्या अभी? शादी के बाद खुद को कोसते रहना, तीज त्योहारों पे रिश्तेदारों से फॉर्मेलिटी के लिए मिलने जाना, कुछ गिफ्ट्स लेके जाना, और फिर बाद में देखना इतने इतने का सामान मैंने दिया है, मुझे कितने का मिलेगा वो भी पता नहीं। 500 1000 रुपए के लिए खिटपिट करना, हर छोटी छोटी बात में दकियानूसी बातें बोल देना, झगड़ा होना। इस दुनिया में ना कोई जोड़ी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ जूता और चप्पल है ना उसी की जोड़ी परफेक्ट होती है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर, है ना, ये दकियानूसी और बकवास बातें ना उन्हीं के पास रहने देने, उनके सुननी ही नहीं ऐसे लोगों की बातें। और ये जो फ्रेंड्स लोग जो फोर्स करते हैं ना शादी के लिए, उनको उनको बोलना आप अपना रास्ता नापो, पहले आप अपना देखो, मैं अपना देख लूंगी। 2 दोस्त ऐसे चुनो ना पहले तो, जो आपकी गलत चीज़ पे आपको रोके, ना ही कि आप बर्गर, इतना बड़ा बर्गर खा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, फिर भी वो बोले नहीं नहीं तू तो स्लिम है, इट्स ओके। तो ये दोस्त नहीं है, महादुश्मन है। ऐसे लोगों को तो गेट लॉस्ट ही करो। और शादी करना ना करना वो तो तुम्हारा पर्सनल लुकआउट है, ठीक है, एक गॉड से कनेक्शन जोड़ो, स्पिरिचुअलिटी से जॉइंट हो, गॉड से कनेक्शन जोड़ो। ये दोस्तों से सारी बातें शेयर करने से अच्छा है कि गॉड से सारी बातें शेयर करो, अपने आप आपको जवाब मिलेगा आपको क्या करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम 10 जगह घूम के आएंगे, 10 जगह पे अपनी प्रॉब्लम बता देंगे, ऐसा हुआ क्या करूं, ऐसा हुआ क्या करूं, सब लोगों को बता दिया, और उसके बाद आखिर में भगवान अब तू,
जब हम उसको भगवान को ही हम आखिरी में बातें बताते हैं तो फिर वो भी हमारा काम आखिरी में ही करेगा ना। इसके बजाय अगर सबसे पहले किसी को ना, क्योंकि जब आप लोगों से शेयर करना, बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं ना, तो भगवान तक जब आप शेयरिंग के लिए पहुंचते हो तो वो शेयरिंग कम हो जाता है, वो पहुंचते पहुंचते शिव बाबा तक बात पहुंचाते पहुंचाते वो शेयरिंग कम हो जाता है। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट भगवान से ही उसका आंसर मांगो, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्शन जोड़े रहना होगा। ऐसे नहीं आप अचानक से बैठ गए भगवान के, ऐसे नहीं होता, कंटिन्यूसली मतलब कनेक्शन में रहना पड़ेगा। जैसे हमें एग्जाम में कैसे पास होना है उसके लिए हम कंटिन्यू हमारे टीचर से कनेक्शन में रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे इसके लिए हमें टीचर से कनेक्शन में रहना। इसी तरह भगवान से ही ऐसे कनेक्शन जोड़ लो, हर आधे घंटे में एक घंटे में उसे मन ही मन में याद कर लिया करो, बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स वेंड्स आजकल सच्चा दोस्त मिलना ना बहुत मुश्किल है, और सच्चा दोस्त हमें पसंद भी कहाँ आते हैं। सच्चा दोस्त हमारे नुस्ख निकालेगा, हमारी गलतियाँ निकालेगा, तो हम तो उसे दूसरे ही दिन लात मार के भगा देंगे, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, क्योंकि हम सच्चाई सुन भी तो नहीं पाते ना, इसमें भी हमारा ही फॉल्ट है। जो तुम्हारी गलतियाँ गिनवा है, जो तुम्हारे तुम्हारे जो नुस्ख देखे, तुम्हारी हर बात पे तुम्हें बोले कि ये सही है ये गलत है, वही सच्चा मित्र है। पर आजकल क्या है ना कि सबको भले, क्योंकि झूठ बिकता है ना, और हम जैसे लोग झूठ को खरीदते भी हैं, सच बहुत कम रह गया है, सच्चाई सुनने में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है किसी में। दे शादीवादी के ना लफड़े को आग लगा दो, एक समय आता है जब सही पार्टनर मिलेगा तभी इन सब बातों में पड़ना। उसके लिए गॉड से कनेक्शन जोड़ो, गॉड से तुम्हारे तुम्हें सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे, प्रॉपर तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे, है ना? ओके okay.